गुलबर्गा तालुकना सीतनूर ग्राम से ये हमारे स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स आए सो है, और हमारे विलेज वाले अमीर पटेल साहब है, और हमारा शरणाया स्वामी है, और हमारा श्रीगढ़ शिवलिंग शरण और नंदीकोर उन्होंने भी है। आज कई को आए बोले तो हमारा गांव को टाइम के ऊपर बस नहीं आ रहा, और एक परमानेंट बस होना, हमारे को परमानेंट बस नहीं रहने के वजह से बच्चों को पढ़ाई में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पढ़ाई में तकलीफ हो रहा बोले तो टाइम के ऊपर क्लास को जाने का नहीं हो रहा, वो क्लास अटेंड नहीं हो रहे, क्लास अटेंड नहीं होने के वजह से उनका सिलेबस पीछे पड़ रहे। उसके वास्ते आज के दिन हम पूरे बच्चे और हम गाँव वाले मिल के इधर क्लास छोड़ के आए, क्योंकि हर दिन का ये किरकिरी है। उसके लिए जिला अधिकारी को एक हमारा रिक्वेस्ट है, एक परमानेंट बस और नृपतुंगा बस, एक नृपतुंगा बस छोड़े बोले तो हमारा गांव को अच्छा रहता। और आजकल जो लेडीज़ के लिए फ्री जो सर्विस है बस का, वो सर्विस का यूटिलाइज़ नहीं हो रहे। हमारे गांव के गरीब लोग हैं और फार्मर्स है, वो लोगों को और गुलबर्गा नज़दीक रहने के वजह से ज़्यादा लोग सुबह उठ के काम के लिए गुलबर्गा को आते, उसके वास्ते हमारा एक रिक्वेस्ट है बस जल्दी छोड़ना बोल के। अगर नहीं छोड़े बोले तो हमारा सेंट्रल जेल के पास, केंद्रीय विद्यालय के पास हमारा एक रास्ता रोको करना पड़ता। उसके लिए हम एडवांस जो जिलाधिकारी है और कंसर्न जो KKRTC अधिकारी है उनको हम आज के दिन मनवी पत्र दे रहे। मेरा नाम मदीना है, मैं सीतपुर में रहती हूँ। हमारे गांव को बस नहीं आ रही और कोई भी बस रुक रहे नहीं। हम रोज़ 2-2 किलोमीटर चल को आ रहे, हमको बहुत मुश्किल हो रही थी धूप में चलने। हमारे गांव को 9, 10:30, 5:30 और 3:30 की बस बहुत होना बहुत ज़रूरी है हमको सहूल, और कोई भी बस जेल के पास रुक रहे नहीं। हमको जाने बहुत तकलीफ़ हो रही, हमको बस की सहूलियत होना बहुत ज़रूरी है। क्लासा बहुत मिस हो रहे हमारे, हमारी पढ़ाई भी अब अच्छी तरह से नहीं हो रही। 2-2 किलोमीटर चल को जा रहे फिर भी हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। हमको बस की सहूलियत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बस आती, कभी कभी बस नहीं आती, हमको बहुत मुश्किल होती चलते जाने। अमास पुनीम चार शिमबाद, ये 3 दिन हमारे गांव को बस नहीं आती, और दोपहर में भी एक टाइम हमारे लिए बस नहीं है। अगर हफ्ता हमारा स्कूल 3 बजे छुटिया तो आने हमको बहुत मुश्किल हो रही धूप में। 3:30 को आने बहुत मुश्किल हो रही, बहुत धूप भी ज़्यादा। बोले तो कल भी नहीं आई बस हमारी। हमको कभी कभी तो बहुत ही मुश्किल होती है, ऑटोआ से जाना पड़ता, कभी कभी तो ऑटोआ भी नहीं मिलते। कल हमें कितना ढूंढे ऑटोआ भी नहीं मिले, कुछ बसा भी नहीं मिले, कितना रुके तो रुके भी नहीं उन्होंने। हमारे खुद की बस नहीं है तो दूसरे वाले उन्होंने बोलते हमें नहीं रुकाते, तुम बहुत जनिए बोलते बच्चे नहीं रुकाते, बहुत ज्यादा बच्चे हम लोग, इसीलिए बस रुके तो कोई भी बस नहीं रुक रही हमारे लिए। आको एक एक घंटा बैठ कर वापिस घर को जाना पड़ रहा हम लोगों को। परसों भी आके बैठे बस नहीं मिलने में वापिस घर को गए, हमको परेशानी हो रही। बस है तो हमको अच्छा होता, हमारी खुद की बस रही थी, उम्मीद रहती स्कूल जाने की, नहीं तो स्कूल बहुत छुट्टियां हो रही। कौन सा स्कूल है? सरकारी उर्दू हाई स्कूल जवरगी कॉलोनी कलबुर्गी। एग्जाम के लिए अब शुरू होते हैं अभी थोड़े दिन में एग्जाम, अब हमको मुश्किल होती है पढ़ाई भी होना, एक्स्ट्रा क्लास भी होने के वास्ते हमको 9 की बस भी होना तो मुश्किल हो रही, इसलिए हमको बस भी होना।